Hello friends, this is Dr. Abhilash Modi and I am very much excited today because the topic which we are going to discuss on today, that is not my choice, that is choice of somebody else and kisi ne mujhe video on demand banane ko kaha aur usi ke karan main video bana raha hu. Firstly, thanks a lot us comment ke liye jisne mujhe kaha ki mujhe is tarike ki video banani chahiye. क्योंकि अगर कोई इंसान डिमांड कर रहा है तो वो सोचता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप उसके लिए काबिल हो, इस कारण से उसने ऐसा कहा. सो थैंक्स अ लॉट मिस्टर लोकेंद्र जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए कहा एंड आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो. देखिए गाइस, जो टॉपिक था वो कुछ ऐसा था कि क्या ऐसा करें कि एक स्टेबिलिटी रहे हमारी लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर के, क्या ऐसा करें कि हम लाइफ का गेम प्रॉपर लेवल पर खेल पाए. एग्जैक्ट जो टॉपिक ऐसा था दैट हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ. बहुत ही शानदार टॉपिक था एंड आई मस्ट सल्यूट दैट पर्सन जिसने इस तरीके के टॉपिक को सोचा, क्योंकि छोटी एज में इस तरीके के टॉपिक को सोच पाना बड़ा ही मुश्किल होता है. अगर आप ऐसा सोच सकते हैं उसका सोल्यूशन निकलना ही निकलना है. आज का हमारा टॉपिक एग्जैक्टली वो तो नहीं है जैसा अगर आप टाइटल में भी देखोगे, पर एक चीज पक्की है कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब जरूर मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं. तो देखिए शुरू करते हैं. ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को हम एक स्टोरी के द्वारा समझते हैं, एक रियल लाइफ स्टोरी. दोस्तों मैं एक स्पोकन इंग्लिश टीचर हूं, लगभग 8 से 9 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर. जहां पर मैं पहले जॉब करता था वहां पर मेरे बॉस हुआ करते थे मिस्टर अनिल सोनी. बहुत ही अच्छे इंसान थे और हमेशा मेरा ध्यान रखते थे, हमेशा मुझे एज एन एम्प्लॉई, एज ए ब्रदर गाइड करते रहते थे. एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका इम्पैक्ट मुझे आज तक भी याद है. क्या हुआ था देखते हैं. देखिए एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था जो थोड़ा सा कामचोर किस्म का था, आलसी किस्म का था, सुस्त किस्म का था और किसी इंसान ने उसको कॉल किया इंस्टीट्यूट से और बोला कि आप आ नहीं रहे हैं डेली, क्या कारण है. तो उसने ऐसा कहा कि सर अभी क्या सर्दी बहुत पड़ रही है ना, तो सर्दी पड़ रही है इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं. सर ने बड़ी शानदार बात उसको बोली जिसने कॉल किया था कि तो सर्दी तो पड़ेगी, सर्दी है तो सर्दी तो पड़ेगी, सही उसमें कौन सी बड़ी बात है. देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसको हम समझ नहीं पाते, पर सर की वो एक लाइन कि सर्दी में तो सर्दी पड़ेगी ही ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठंड तो पड़ेगी ही ना. और सर ने इवन थोड़ा सा क्रूड वे में बोल दिया था कि भाई कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी ना गिरेंगे, सर्दी में तो सर्दी गिरेगी ना, जब विंटर सीजन है तो कोल्ड तो होनी है. दैट्स नॉट अ बिग थिंग, दैट्स नॉट अनइमेजिनरी थिंग, दैट्स नॉट अनबिलीवेबल थिंग, ये तो होना ही था. तो देखिए हम जो चीज समझने वाले हैं यहां पर वो चीज क्या है कि अगर जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स रहेगी ही रहेगी. सोचिए कि विंटर जो है वो सिमिलर है लाइफ के और ठंड जो है वो सिमिलर है प्रॉब्लम्स के. क्या आपको लगता है कि कभी भी सर्दी हो पर ठंड ना हो, ऐसा पॉसिबल है? होता है. जब सर्दी स्टार्ट होती है तो इतनी ठंड नहीं होती और जब सर्दी जाती है तो इतनी ठंड नहीं होती. सिंपल है, सिमिलर है. जब लाइफ की शुरुआत होती है तो प्रॉब्लम्स कम होती है और जब लाइफ का एंड होता है तो भी प्रॉब्लम्स कम होती है, क्योंकि लोग हमारी केयर करने के लिए वहां पर होते हैं. सेम होता है जब ठंड पड़ती है तो बहुत कम ठंड होती है, तो हल्की फुल्की रजाई या थोड़े बहुत ब्लैंकेट से काम चल जाता है. पर जब पीक पे ठंड होती है, जब पीक पे प्रॉब्लम्स होती है, हमें रजाई चाहिए, हमें अच्छी रजाई चाहिए. रजाई का अर्थ यहां पे क्या हुआ, रजाई का अर्थ हुआ हमें प्रॉब्लम से बचने के लिए गुडनेस, नॉलेज, हार्डवर्क की एक शील्ड चाहिए, एक ब्लैंकेट चाहिए, जिसके दम पर हम अपने आप को, ठंड तो हमेशा रहेगी देखिए, पर हम अपने आप को उस ठंड से बचा पाए, उस प्रॉब्लम से बचा पाए, उन जितनी भी प्रॉब्लम्स हमसे बचा पाए. देखिए कितनी शानदार चीज है. तो उस वाक्य से मैंने ये चीज सीखी जो मेरे बॉस ने मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिखाया था कि जिंदगी में ठंड हमेशा रहेगी. ठंड का अर्थ क्या हुआ गाइस यहां पर, ठंड का अर्थ हुआ समस्याएं. लाइफ में हमेशा समस्या रहेगी, लाइफ का दूसरा नाम ही समस्या है. एक और एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं. अमिताभ बच्चन सर जब वो हरिवंश राय बच्चन सर के पास गए और बोला जीवन में बड़ा संघर्ष है पिताजी, क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो आज ही मर जा, समस्या खत्म हो जाएगी. उन्होंने एक चीज कही, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा, या जब तक संघर्ष है तभी तक जीवन है. जहां संघर्ष खत्म जीवन भी खत्म, और जहां पर जिस जीवन में संघर्ष नहीं है वो एक्चुअल में जीवन ही नहीं है. बाबा रामदेव ने भी कहा है कि जीवन को छोटे उद्देश्यों के लिए मत जियो, जीवन को छोटे उद्देश्यों के लिए जीना जीवन का अपमान है.
क्या आपको लगता है बड़े उद्देश्यों को अगर इंसान जीने की सोचे तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी? कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है गाइस। तो इस छोटी सी चीज को हम नहीं समझ पाते हैं, सर्दी में सर्दी पड़ेगी, जीवन में समस्या आएगी, हमें केवल हमारी रजाई को अच्छा बनाना है कि समस्या रहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे वो समस्याएं लगेगी ही नहीं, क्योंकि मेरे पास में एक रजाई है, मेरे पास में एक ऐसा कवर है जिससे बाहर समस्या रहनी है तो रहे, बाहर ठंड रहनी है तो रहे, मैं उस रजाई को, उस हार्डवर्किंग रूपी, उस मेहनती रूपी रजाई को ओढ़ लूंगा, इस कारण से मुझे ठंड लगेगी ही नहीं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा आज वीडियो का जो बेस था वो इतना सा था कि प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज बी देयर, दिस कोल्ड विल ऑलवेज बी देयर, समस्याएं थी, है और रहेगी, पर एक चीज जिसको आप श्योर कर सकते हैं वो चीज क्या है पता है? कि प्रॉब्लम रहे तो रहे यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी रजाई को इतना बड़ा करूंगा कि केवल खुद ठंड से नहीं बचूंगा, मैं लोगों को भी बचाऊंगा। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। संदीप महेश्वरी सर एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, एक बहुत अच्छे लाइफ चेंजर हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी रजाई सिर्फ उन्हीं के काम आ रही है? नहीं, उनकी बनाई हुई रजाई, उनकी बनाई हुई मोटिवेशन की रजाई, उनकी बनाई हुई हार्डवर्क की रजाई, उनकी बनाई हुई थॉट्स की रजाई करोड़ों लोगों के काम आ रही है। शिव खेरा सर जो बहुत अच्छे मोटिवेटर हुआ करते थे, आज भी उनकी बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उनको देखना पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि उनकी रजाई उन्हीं के काम आ रही है? देखिए दोस्तों, मैं बार 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 रजाई की बात कर रहा हूं, ये इसका अर्थ क्या हुआ? रजाई का सिंपल सा अर्थ यही है कि जिंदगी में समस्याएं थी, है और रहेगी, पर मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि कोई चाहे तो भी मुझे नहीं मार सकता उन समस्याओं के दम पर। लास्ट एग्जांपल लेकर के मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूंगा। लास्ट एग्जांपल क्या है? कितने लोगों ने पुराने जमाने के पौराणिक या माइथोलॉजिकल सीरीज देखे हुए हैं? शायद सभी ने देखे होंगे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो, ऐसा होता था कि यज्ञ चल रहा होता था और अचानक से विघ्न डालने के लिए कोई राक्षस आता था। अब राक्षस होता था इतना और भगवान होते थे इतने से। भगवान कभी भी राक्षस को छोटा करने की कोशिश नहीं करते थे, भगवान हमेशा खुद को इतना बड़ा कर लेते थे कि राक्षस खुद ब खुद ही छोटा हो जाता था। वो राक्षस क्या है? वो राक्षस है समस्या। समस्याएं कभी छोटी नहीं होगी, जिंदगी का गेम इसी तरीके से खेलना है, समस्याएं कभी छोटी नहीं होगी, आपको खुद को अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपने खुद को बड़ा किया, हो सकता है समस्याएं और बड़ी आए, पर आपका एंथुसियज्म, आपकी एक्टिवनेस, आपके अंदर का जो हार्डवर्क है वो इतना शानदार होगा कि आपको वो समस्या ही नहीं लगेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई मुझे कहे कि इंग्लिश के बारे में कुछ बताना है तो मेरे लिए वो आसान है। कारण ये नहीं क्योंकि इंग्लिश आसान है, कारण ये है कि मैं प्रिपेयर्ड हूं, मुझे इंग्लिश का ज्ञान पूरा है। और अगर किसी आम इंसान को या किसी ऐसे इंसान को, किसी टॉम डिक एंड हैरी को जिसको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, उनको बोला जाए कि आपको इंग्लिश में कुछ बोलना है, दैट टाइम ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल फॉर हिम और फॉर हर एज वेल, क्योंकि उस इंसान को इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, तो वही चीज उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। क्या हमने इंग्लिश को छोटा किया? क्या हमने इंग्लिश को सरल किया? नहीं, हमने खुद को नॉलेजेबल बना दिया, खुद को बड़ा बना दिया। तो देखिए दोस्तों, आज हमने सीखा कि किस तरीके से जिंदगी के गेम को शानदार तरीके से खेलते हैं। समस्याएं हमेशा रहेगी, ये समस्या रूपी ठंड हमेशा रहेगी, हमें केवल काम करना है अपनी रजाई बनाने के लिए, और रजाई को इतना फैलाइए केवल खुद ही उस समस्या से नहीं बच पाए, लोगों को भी बचाए, लोगों की ठंड का निवारण का कारण भी बने। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमें जिंदगी में लोगों का हौसला बनना है। जब भी कोई इंसान हार मानना चाहे, वो हार नहीं माने क्योंकि उसको लगे कि अगर ये हार नहीं मान रहा तो मैं कैसे हार मान लूं। इट वॉज डॉक्टर विलासपति गाइस, इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस टॉपिक आई मस्ट से। मैंने इसको अपने आप में पर्सनली बहुत एंजॉय किया, और मुझे लगता है अगर आप खुद किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो आप लोगों को भी काबिल बना पाते हैं कि वो इस चीज को एंजॉय कर पाए। थैंक्स अलॉट गाइस, थैंक्स अलॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आप किसी भी और टॉपिक पर बातचीत करना चाहते हैं तो प्लीज बताएं, मैं श्योरली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से जी पाए। थैंक्स अलॉट गाइस।